तो चलो भाई, रिव्यू के बाद रिएक्शन का टाइम आ गया है, और बड़ी मेहनत से मैंने पूरी एक फिल्म डाउनलोड की है जिसके जो भी डायलॉग्स हमने बताए थे पिछली पिछली वीडियो में, और जो भी हमने उसका रिव्यू दिया है उसका प्रूफ देने का समय आ गया। जैसा कि मैंने अपने आपको कहा था कि प्रूफ के साथ तो बताऊंगा। जिन लोगों ने देखा है उनके लिए तो ये और अच्छी बात होने वाली है। जैसा कि जिसने अभी तक मूवी नहीं देखी है और ये रिव्यू वगैरह देख के कि डायलॉग में ये बोल दिया, वो डायलॉग में वो बोल दिया, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए अपना रिएक्शन देखते हैं, धीरे धीरे मूवी देखते जाएंगे, डायलॉग देखते जाएंगे और रिएक्शन का वीडियो बनाएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक। शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं सीता हरण से। उससे पहले मैं आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, ना ही इस वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा, लेकिन हाँ, ये मूवी पे ये रिएक्शन, ये जो भी मैंने इसकी गलतियों को दिखाया है, ये वीडियो मैं बस आपसे शेयर करने के लिए कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। मे भी हो सकता है आगे चल के वीडियो बैन हो जाए, उससे पहले पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी गलतियाँ इन्होंने कर रखी है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये जो है पूरी इसमें रामायण का सार है, तो समझ लो कि इस वीडियो में ये जो भी आदि पुरुष है ना, आदि पुरुष की गलतियों का सार है इसमें, कैसे सीता का हरण हुआ है और जो भी एक्टिविटीज जो कि रियल रामायण में हुआ है, वो जो भी रियल रामायण में जटायु के द्वारा हुआ है और इसमें कैसे दिखाया है उसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर क्या करना है बता सबको, आपको पता ही होगा कैसा हुआ है, सब सबने रामायण देखी हुई है। अब बोलना क्या है यार, देखो अब यही देख लो यार, ये क्या हरण कर रहा है कि जादू करके धागे में बांध के लेके जा रहा है ये, और उस पे से देखो जैसे धागा लगाता है ये अनकॉन्शियस हो जाती है और सीता सो जाती है। क्या बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। रावण आता है और अपना पुष्पक विमान लेकर आता है, उसमें सीता को ले जा, पता नहीं कहाँ से ये एक नया चमगादड़ अपने बुआ के घर से ला के रख दिया है यार। ये सबको पता है कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था, उसी से जाता था आता था, जो भी कि देवों से उसने छीन लिया था वही पुष्पक विमान। ये चमगादड़ इसके पास कहाँ से आ गई, ये भी इसके बुआ के घर से ही आई होगी। लो भाई, अब यहाँ देखो रामायण के अनुसार, एक मिनट थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। रामायण के अनुसार जब राम जी और लक्ष्मण जी वापस अपनी कुटिया पे आते हैं तब पता चलता है कि हाँ सीता जी का हरण हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गया तो पीछे से दौड़ा रहा है यार, पकड़ लो दौड़ा के। वो सलमान खान की मूवी एक था टाइगर में, वो बाइक बाइक उड़ा के पहुंच जाता है ना, दौड़ा के पकड़ लो, वो चमगादड़ ही तो है, एक बार चलाओगे हो जाएगा। रामायण ही बनाना था तो कुछ अच्छा बनाते भाई। तो असली रामायण में होता यूं है कि जो पक्षीराज जटायु है, गिद्धराज जटायु, वो रावण को एक बार मूर्छित कर देते हैं अपने प्रहार से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो भी है कलयुग की रामायण बोल रहे हैं या फिर उसको रामायण का पूरा सार मिल जाएगा इसमें, पता नहीं कैसा सार मिला ये छोड़ो, तो रामायण का पूरा इसमें सार मिल जाएगा। लेकिन से जो है कि यहाँ पे कुछ पक्षियों का झुंड आता है और जटायु को पकड़ लेता है, फिर ये जो सस्ता रावण है वो सस्ती जो भी है ये चमगादड़ से कूद करके, और वो अपने चंद्रहास जो भी तलवार लेकर रहता है उसे वो पंख काट देता है और इससे पक्षीराज जटायु नीचे गिर जाते हैं। चलो यहाँ तक तो हो गई अब ये सीता हरण की बात, लेकिन यार मतलब तो गुस्सा तो मुझे तब आया जब यार सबरी सबरी के पास का जो सीन है वो सीधा का सीधा उल्टा कर दिया, मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। सबको पता है रामायण में लिखा हुआ है कि ये रामचंद्र जी जब सीता जी को ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो वहां सबरी की कुटिया तक पहुंच जाते हैं ना, तो सबरी ही आ रही है यार इनके पास। और ऊपर से ये देखो लक्ष्मण जो बने हैं वो सीधा बाण तान दिया, क्या बात है भाई। लेकिन अंत में क्या होता है, जब सबरी बैर खिला लेती है तो
ये लोग सिंपली वहां से जो भी होता है कि सबरी के द्वारा जो भी न्यूज़ दिया जाता है कि हाँ ऋषि मुख पर्वत पे बंदरों के राजा सुग्रीव से जाकर मिलना है, उसमें क्या ही छेड़छाड़ किया यार। मतलब सबरी जाके सीधा वहाँ अग्निकुंड में चली जाती है, ऐसा तो रामायण में हुआ नहीं है। ये पता नहीं अपने दादाजी से सुन के कि किससे सुन के इसने डाल दिया है ओमरावत ने। और दूसरी बात है, उसके बाद जलती है फिर निकलती है एक सुंदरी परी निकलती है। एक बात मैंने पूरी मूवी में नोटिस करी है यार, यहाँ पे हनुमान का नाम नहीं लिया गया है, बजरंग बोला गया है। ठीक है, बजरंग बली नाम है। दूसरा जो राम ना बोल के राघव बोला गया। तीसरा जो है लक्ष्मण नहीं बोल के उनको, जो भी ये राम का रोल कर रहे हैं प्रभास, वो शेष बोले, शेष मतलब वही ब्रो, शेष ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट बोले, अगर मेरी बच्चे पकड़ के। हाँ अपने असली रूप में आओ, वरना मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। रूप रंग तो माया है बालक, पर ऋषि को माया से क्या कहूं। ऋषि को तो परम बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धि है आपने? और हेलो कुमार, तो बताओ, 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? कोई समय नहीं लेंगे, क्योंकि महल तो बन चुका है। एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं, फिर भी वो स्वस्थ है, कैसे? क्योंकि वो रात में सोता है। एक तोता और उसके 2 बच्चे नदी पार कर रहे थे, जैसे ही वो नदी के पार पहुंचे, सबसे छोटा बच्चा खुशी से चिल्लाया, हम चारों ने नदी पार कर ली। अब बताओ, एक तोता 2 बच्चे 3 हुए ना, तो फिर उसने 4 क्यों बोला? बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। तो यार मेरे देखने से एक चीज इस मूवी में अच्छी लगी है मुझे, वो है जो भी सुग्रीव सेना है, बंदर सेना है, वास्तव में बंदर कुछ बनाया बड़ा है खरीदने का इन्होंने। और सपना अच्छा देख रहे खासा, हैं, जैसे वन एक्सपर्ट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें, किसी भी खेल पर अच्छा बैट खासा, लगाएं, पोकर या जैसे कि कैसीनो में जीते, सुग्रीव साइबर है, स्पोर्ट पर पाली बैट लगाएं है, या फिर स्लॉट वो खेले, और आप अपनी इच्छा अनुसार जामन, कुछ भी खरीद सकते हैं। वन तो एक्सपर्ट की साइट पर इसका जाएं और अपनी थोड़ा पहली जमा ठीक राशि पर है, सौ हाँ थोड़ा प्रतिशत नहीं ये बोनस ठीक प्राप्त करें। ये वर्थ है, लेकिन इतना ज्यादा सीन में चेंजेस, और सीन में भी चेंजेस के साथ बिना एक्सपीरियंस के, जैसा यार झट से ये दिखा दिया, झट से वो दिखा दिया, आते ही बोलिए राघव क्या है, मतलब उसके बाद तुरंत बिना कुछ पूछे हुए लो जी ये एक हाथ से वो जो मोतियों की माला है वो दिखा देना तुरंत, मतलब क्या है भाई, इससे अच्छा बना रहे कार्टून मूवी बना देते तुम यार भाई। रे 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 रे, ये विभीषण है या ये तो गुरु रांधावा का फैन लग रहा है, दाढ़ी देखो, हेयर स्टाइल देखो, मतलब उस टाइम में भी अच्छे बार बार होते थे, मतलब नाई वगैरह अच्छे होते थे, क्या मस्त जेल लगा के हेयर स्टाइल करके, क्या बात है, ये तो विभीषण नए जमाने का काफी खतरनाक निकला। आप खुद अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। आप खुद अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। फू ठीक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो यार वो बुआ का बगीचा वाला डायलॉग आपके लिए लेके आया हूँ, आप देखिए कैसे वो बुआ का बगीचा बुलाता है और कैसे कैसे यहाँ पे मतलब तर्क होते हैं दोनों के बीच में, टपोरियों के बीच में, दोनों टपोरियों के बीच में। ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया, और तुझे क्या लगा तू बचा क्या मुझसे, तू जानता भी है कौन हूं मैं, थाकड़ा सोर मरेगा बेटे, आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। हाथ नहीं, मैं थाकड़े को ही दूंगा। अच्छा हुआ साला वो इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा इसने उमरावत, नहीं तो वो भी डाल देता। कौन सी वीडियो नहीं पता, रुको दिखा रहा हूँ, देखो देखो देखो, झूठ बोल रही छोड़ दो, गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो, गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो, ये अपनी साथे हम खैला
₹80 खेनी कुछ करी तोरी बहन के चुनो अल्ले के 100 रुपया बीरबल छुआ खाले वाले के पचाना पे। यार मैं तो कंफर्म हूँ अगर वो मूवी से पहले अगर ये वीडियो वायरल हो गई होती तो उस ओम रावत ने ये भी डायलॉग जरूर कहीं ना कहीं डाल दिया होता। और कोई काम धंधा नहीं बचा बंदर पकड़ने लगा। ये बंदर कैसा है तो सच बताऊं यार मतलब यहाँ पे मैं सच में अंदर से बहुत गुस्सा हो रहा है मुझे को कुछ नहीं आता है तो इधर रामायण की कर रहा है। पता नहीं कैसे सेंसर बोर्ड यार अलाउ कर दिया यहाँ पे। सबको पता है कि अक्षय कुमार के वध के बाद रावण खुद इंद्रजीत को बुला के भेजता है पर यहाँ ये क्या बोल रहा है कोई काम ही नहीं रहेगा बंदर पकड़ लिया है और रावण खुद यहाँ पे देखो हथियार बना रहा है। अपनी लाइफ में मैंने ऐसी खटिया मूवी नहीं देखी थी यार कुछ तो करना पड़ेगा इसको कुछ भी रामायण के नाम पे रामायण से रिलेट करके ऐसा नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता ये। अब बारी आती है पूंछ में आग लगाने की जहाँ के दो डायलॉग बहुत अव्वल नंबर का टपोरी डायलॉग है अभी तो और चलेगी। बेचारा जिसकी चलती है वही चलता है कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का आग भी दिस मूवी इज प्रेजेंटेड बाय betbarter.com चलेगी भी तेरे बाप भाई ये क्या है अभी हनुमान जी लंका में तभी ये पूरा वानर सेना राम लक्ष्मण सब सब समुद्र तट पे आ गए ये कब हुआ भाई ये वही रामायण है ना। आगे सिंपली बजरंग बली ऊपर से कूदते हैं और एक ही बात पूछा जाता है वो भी शायद सुग्रीव पूछते हैं कि क्या हुआ बजरंग तो देखो क्या हुआ बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। इस मूवी का बनाने का मकसद क्या है ये ओम रावत मुंतजर मनोज मुंतशिर ये जो भी लॉर्ड मतलब क्या है बनाने का। विनय नमानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। अरे यार जब तुमको प्रार्थना करते हुए ही दिखाना था टाइम नहीं था तो कम से कम 3 दिन बाद या 3 डेज लेटर कुछ भी दिखा देते ऐसे ये क्या मतलब तुरंत बाहर निकाले और वाह मतलब पूरा ठान लिया था कि करना है इसे। उसकी सेना में हजारों बंदर हैं और कुछ तो उड़ते भी और एक जासूस भी है। ये कैसा युद्ध है यार ये युद्ध कर रहा है या फिर वो गली के गुंडों वाली लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो शर्म भी नहीं आई यार इस मूवी को बनाते हैं। यही था तो कम से कम कोई दूसरी स्टोरी ढूंढ लेते इतना लगा लेते खर्चा। अरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाम को लंबा कर दिया अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। यार हद तो तब हो गई जब इसने सुसेड़ वैद का जेंडर ही चेंज कर दिया।
सुसैन भाई को सीधा लड़का से लड़की बना दिया देखो, और ऊपर से उसका डायलॉग कैसे दिखती है संजीवनी, ऑसम ब्रो, तालियां तालियां और साथ में बुरी बुरी गालियां। मतलब क्या करूं यार, जो भी मेरे अंदर भड़ास निकल रही है ना, कोई तरीका होता तो इनको पकड़ पकड़ के निकालता मैं। ये क्या संजीवनी तो संजीवनी है और वही उसकी पहचान है। अगर मैं किसी से पूछता हूँ भैया बता दो मुझे यहाँ पे जाना है, तो बोले वो ये वहाँ तक रोड जाएगा और रोड पकड़ के चले जाओ। यार ऐसा तो नहीं हुआ था रामायण में, मतलब गलती पे गलती गलती पे गलती करते जा रहे हो, शर्म नहीं आई यार इसी। मतलब या तो डायरेक्टर महाचू था या तो डायरेक्शन के बाद भी ये जो एक्टर्स हैं वो महा ये निकले, कोई तो है, मैं कंफर्म बता रहा हूँ कोई तो इसमें महा है। देखो मैंने बताया था ना बाहुबली की कॉपी, मतलब वही किया यार। और किस रामायण में यार, कहाँ पे लिखा हुआ है कि बंदर और जो जो भी है जो कि लंका के दीवारों पे चढ़ने लगे कूदने लगे, मतलब पूरा पूरी छेड़छाड़ नहीं, ये रामायण ना बोल के इसने रामायण का बहुत बड़ा अपमान किया है। जो भी है ओम रावत मनोज मुंतशिर जो भी है, तो वो समझ में आना चाहिए कि ये मूवी रामायण से रिलेटेड है तो पूरे हमारे जितने भी हिंदू हैं उनकी आस्था का सवाल है। जानते हुए भी इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी, जहाँ तक कि मैंने देखा है कि पठान मूवी में एक छोटे से भगवा कलर का वो दीपिका पादुकोण ने जो भी पहन लिया था उसकी वजह से इतना कंट्रोवर्सी हुआ। इसको जान के भी ऐसी गलती करना, मतलब ये तो उसको बोल दे ना, ये पूरा लथेरे ही पे उतर गए, एकदम लथेर हो गए, लथेर इसको ठेठ बहुत भाषा बोलते हैं ना, लथेर लथेर वो हो गए साले। मुझे तो लग रहा है कि ये रामायण बनाने से अच्छा होता कि इसको कोई एक वीडियो गेम बना देता तो कुछ अप्रिसिएशन मिल जाती इन लोगों को, बच्चे भी अच्छे से खेल पाते, रामायण वाली ही गेम बना देता। लेकिन नहीं, इसको तो करना था कर दिया। ओहो क्या है यार, मतलब ये देखो इंद्रजीत का वध ऐसे हुआ था क्या, और ये पानी में कहाँ लेके जा रहा है यार। पूरी मूवी में देखो पताल लोक का कोई जिक्र ही नहीं है कि पताल लोक भी होता है। हिंदू ग्रंथ के अनुसार हमारे पास तीन लोक होते हैं, ठीक है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और एक हो जाता है पाताल लोक। लेकिन इसमें तो पाताल लोक का कोई जिक्र ही नहीं है भाई, ऐसा भी क्या है कि तुम और ये स्वर्ण पता नहीं क्या है हल्दी मिला के और उसमें कैसे कुश्ती, अरे हंसी भी आ रही है गुस्सा भी आ रहा है, कुश्ती करके और एक चाकू मार के पकड़ लेता है, मतलब क्या है यार, ये रेसलर निकले दोनों तो, इससे अच्छा मतलब बहुत बहुत गंदे तरीके से रामायण को बदनाम करने का काम किया गया है इसमें, और हम इससे सहमत नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हमारा जो भी अंदर का जो होती है ना सहन शक्ति बहुत कम बची हुई है, इसलिए अब हम जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आपने भी रामायण पढ़ी है और आप इस मूवी को देखे होंगे ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो फीलिंग मेरे अंदर आई है वही फीलिंग आपके अंदर भी आई होगी। इस मूवी को बैन होना चाहिए, और बैन ही नहीं, इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ब्ला 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 जितने भी लोग हैं ना उनके ऊपर एक भाई केस तो होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब तक जो थी वो नॉर्मल बात थी, मतलब कि ठीक है मूवी बना दिए, थोड़ा सा उसमें भगवा कलर जो भी था वो नॉर्मल था, लेकिन ये इग्नोर करने लायक नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही, पता है मुझे ना चाहते हुए मेरे मुंह से कुछ अभद्र भाषा निकल गई है, अभद्र वाणी निकल गई है, लेकिन क्या करें, इससे दूसरा कोई तरीका नहीं था अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए। इनको भी समझ में आना चाहिए कि जो बना रहे हैं हम खुद जाके देखते हैं तो हमारी फीलिंग के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। बाकी के लिए अगर कुछ बुरा भला हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वीडियो अगर पूरा देख लिए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मैं फोर्स नहीं करूंगा सब्सक्राइब के लिए ना ही लाइक के लिए, बट या
शेयरिंग के लिए तो कहूँगा, क्योंकि शेयर करो, पता तो चले कि आखिर में ये जो भी इन्होंने आदि पुरुष बनाए रखी है और राम से, रामायण से प्रेरित होकर रामायण को ही उल्टा सीधा कर देना, इसका मतलब क्या है? कुछ भी बोल के कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राम जी की।